पञ्चनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने ओ आइए हमने रामचरितमानस की परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। कल हमने रामचरितमानस का परिचय हुआ था हमारा और थोड़ा सा ये बताते हुए कि क्या है रामचरितमानस एक्चुअली, उसके आगे हम बढ़े थे। उसके क्रम में शिव जी का चरित्र चल रहा था, शिव चरित्र। तो उसके बाद अब ऐसा होता है, मैंने बताया था कि याज्ञवल्क जी कथा सुना, यहाँ पर याज्ञवल्क जी कथा सुना रहे थे भरद्वाज जी को। तो जबकि भरद्वाज जी ने ये कहा था कि मुझे आप रामचरित सुनाइए, राम जी की कथा सुनाइए, तो उन्होंने याज्ञवल्क जी ने सुनाने लगे राम शिव चरित्र। लेकिन भरद्वाज जी ने ये नहीं कहा कि मैंने तो आपसे रामचरित्र पूछा है, आप मुझे शिवचरित्र क्यों बता रही हैं? ये बहुत सुंदर बात है, उन्होंने पूछा रामचरित्र था। तो अब भरत याज्ञवल्क जी क्या कहते हैं, कहते हैं प्रथम ही मैं कही शिवचरित्र, बूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने जानबूझ के शिव चरित्र सुनाया था तुम्हें, आपने इतने प्यार से सुना, आप राम जी के सच्चे भक्त हैं, पवित्र भक्त हैं। तो उसके बाद आगे चलिए कथा। अब ऐसा होता है कि शिव जी बैठे हैं भोले भंडारी, ये इसमें आप अगर चलते हैं मेरे साथ तो मैं आपको बहुत सुंदर उसमें लेके जा रही हूँ, बाल कांड का 105 नंबर दोहा के बाद आ पाइए, एक्चुअली वो 106 कहलाएगा, दोहा नंबर दोहे की जो चौपाई है वो 106 की कहलाएगी, लेकिन 105 के बाद आप देखिए। निज कर दासी नागरी पुछाला, शिव भोले भंडारी एक दिन शिवजी महाराज अपने हाथ से शेर की छाल बिछा कर बैठे, निज कर दासी नागरी पुछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला, कृपालु शंभु अपने सहज स्वभाव से, सहज मतलब कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत रस के साक्षात शांत रस दिखाई देते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये जो चौपाई है निज कर दासी 105 के बाद दो चौपाइयां छोड़कर तीसरी है, ये यहां से लेकर जटा मुकुट सुर सरित सिर यहां तक का पाठ करके आप देखिए इस जो ये कुछ चल रहा है, इस पूरे सीन को, इस स्वरूप को अपनी आंखों के सामने, फिर देखिए आप पर क्या प्रभाव होता है शिव जी का। ये कह नहीं सकती कि इससे क्या होगा, आप करके देखेंगे, ये मैं पक्का बता रही हूँ, आपको शिव जी का पूरा स्वरूप दिखाई देगा। निज कर पुछाला बैठे सहजे शंभु की पाला, कृपालु शंभु सहज स्वभाव रूप से बैठ गए,
और कुंडलिनी और शरीरा। एक्चुअली हम लोगों ने जो शिव जी की एक इमेज बनाई हुई है ना, वो उनकी कैसा शरीर जो है, नीले से रंग का शरीर बनाया समझते हैं, लेकिन शिव जी का जो शरीर है कुंद इंदु दर गौर शरीरा, उनका एकदम कुंद इंदु के समान शरीर गौर गोरा है। और वैसे भी हम कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसे गोरे हैं शिव जी। आप ये इमेज इमेजिन करके देखिए शिव जी का ये स्वरूप सामने लाके देखिए कि एकदम सफेद रंग के हैं। और भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, बुनियों वाले वस्त्र पहने हुए हैं, भुजाएं लंबी हैं, तरुण अरुण अंबुज सम चरना। उनके चरण कैसे हैं, तरुण अरुण, उदय होता हुआ सूर्य बिल्कुल उस लालिमा लिए हुए होता है। तरुण अरुण अंबुज सम अंबुज सॉरी तरुण अरुण ये कह रहे हैं कि उनके लाल कमल के समान चरण है, कमल चरण के समान चरण। और नखों की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार का हरण करने वाली है। नख दुति भगत हृदय तम हरना, उनमें से जो प्रकाश निकल रहा है ना नाखूनों में से शिव जी के, वो भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर करता हुआ। आप अगर उस स्वरूप को आगे लाते हैं कि उसमें से ज्योति निकल रही है, कैसे बैठे हैं भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, ये यहाँ से पढ़ते हुए जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटाओं का मुकुट बनाया हुआ है। जटाएं क्या है, अगर इनके आप मीनिंग्स देखो ना, जटाएं जीवन के जंजाल है। एक्चुअली आप देखें तो ये जटाएं सिंबॉलिक मीनिंग्स आप अगर देखते हैं तो जटाएं जीवन के जंजाल हैं। उनको उन्होंने क्या किया, वे जटा मुकुट मुकुट बना, मतलब वेल अरेंज्ड है। जितने भी जीवन में देखिए ना, अगर हम जीवित हैं तभी समस्याएं आ रही हैं, हम जीवित लाइव नहीं है, जीवित नहीं है तो समस्याएं भी नहीं है। तो ये जितनी भी आए आपकी प्रॉब्लम्स, उनका एक मुकुट सा बना के मतलब मैनेज करना उनको। जटा मुकुट सुर सरित सिर, सुर सरित, सुर कहते हैं देवता, सरित मतलब देव नदी गंगा जी उनके सिर पर है, शीतल होती है देव नदी, तो हमारे मस्तक में शीतलता रहनी चाहिए। और लोचन नलिन विशाल, नलिन अगेन कमल जैसे उनकी आंखें हैं, और विशाल, विशाल का मतलब बहुत बड़ी से नहीं, विशाल दृष्टिकोण वाली है, जो हमारे लिए सीखने की बात है। दृष्टिकोण हमारा विशाल होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए, संकीर्ण नहीं होना चाहिए। लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य नदी, नीलकंठ है बिल्कुल, आप सोचिए एकदम गोरा शरीर है, उसके ऊपर गला नीला सा दिखाई देता है। और लावण्य निधि, लावण्य कहते हैं सुंदरता का खजाना है, बहुत सुंदर शिव जी। जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसे हैं या कुछ भी, लेकिन शिव जी बहुत सुंदर है। लावण्य निधि सुंदरता का भंडार है। और सोह बाल विदु भाल, मस्तक पर उनके बाल चंद्रमा है, विधु कहते हैं चंद्रमा, बाल विधु बाल चंद्रमा उनके मस्तक पर है। चंद्रमा भी शीतल होता है, प्रकाशमय होता है, तो उसमें से प्रकाश निकल, इसका मतलब है हमारे विवेक होना चाहिए, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में प्रकाश होना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ तक ये जो ये है ना, निज कर दासी नागरी पुशाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, यहाँ से लेकर ये 106 तक ये ध्यान करने का है। ये आप बोल के ध्यान करिए, बहुत छोटा सा है, तो ये शिव जी बैठे हुए हैं, तभी क्या होती है पार्वती जी आती हैं और बैठी शिव समीप हर्षाई, हर्षित होकर शिव जी के समीप बैठ गई। पूर्व जन्म कथा चित आई, उनको पूर्व जन्म की कथा याद आने,
और इससे पहले शिव जी ने क्या किया है, जानी प्रिया आदर अति कीना, उनको प्रिया जानकर उनके पास आई है, आदर किया और वाम भाग आसन हर दीना, शिव जी ने उनको वाम भाग में आसन दिया। पहले मैंने आपको बताया था, कल हम लोग बात करते थे कर रहे थे कि सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख मतलब सामने, शिव जी ने उनको सामने बिठाया था, पास नहीं बिठाया था, तब वो सती थी, संचय था उनमें। लेकिन अब पार्वती जी, पार्वती जी का जहां भी नाम ले आप, वो श्रद्धा का रूप है और शिव जी विश्वास का रूप है। श्रद्धा देखिए, श्रद्धा कहाँ बैठती है, विश्वास की गोद में बैठती है। ये जो विश्वास है ना, ये अंधविश्वास नहीं है, ये 15 आंखों वाला विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। इस विश्वास की 15 आंखें हैं, पंचमुखी है महादेव और हर मुख में 3 आंखें हैं। तो वैसे मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, कई बच्चे हैं या कई लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, जो शिव जी की 3 आंखें हैं वो क्या है, दाहिनी आंख जो है राइट साइड की वो सूर्य है, बाई आंख जो है वो चंद्र है, और जो तीसरी आंख है वो विवेक की जो आंख है वो अग्नि की आंख है। तीनों प्रकाशमय चीजें हैं, तो ये तीनों आंखें, तो ये विश्वास हमारा अंधविश्वास नहीं है, शिव जी विश्वास हैं, पार्वती जी श्रद्धा है। तो उन्होंने क्या, उन्होंने वाम भाग आसन हर दीना, शिव जी ने उनको वाम भाग में अपने पास बिठाया। फिर अब वो कहती हैं पार्वती जी, पार्वती भल अवसर जानी, उन्होंने उनको अच्छा अवसर मिला तो उन्होंने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सारे लोक का कल्याण करने वाली कथा है वो मुझे आप बताइए, सोई पूछन चह सैल कुमारी, मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ। और उसके बाद फिर बहुत सुंदर कथा, किसी से भी आपने कोई भी चीज का ज्ञान लेना है, जैसा कि हमने गीता में भी पढ़ा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हम लोगों ने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर खेजा जी ने बताया था। और यहाँ पर पार्वती जी क्या कर रही हैं, वो ये क्या कहती हैं, बंदों पद, पदों आपके चरणों की वंदना करती हूँ, बंदों पद धरि धरनी सिर, विनय करूं कर जोरी, बरन हूं रघुवर विसद जस। ये आप, मैं बोल रही हूँ 109 नंबर दोहा, 109, बरनौ रघुवर विमल जसु, श्रुति सिद्धांत निचोड़, उसका निचोड़ मुझे बताओ, रस निकाल के बताओ, निचोड़ना मतलब रस। तो इस तरह से आप मुझे कथा बताओ कि उसका सार भी निकल आए और मुझे पीने में भी आनंद आए उसका। तो ये पूछती हैं, अब शिव जी उनको बहुत तरह से बताते हुए कि क्या कौन है राम या क्या है, वो उनको कथा कहना शुरू करते हैं। अब वो क्या क्या बताते हैं, अब राम जन्म के कारण शुरू हो जाते हैं। यहाँ से इसमें आता है कि राम जन्म के क्या क्या कारण है, तो अनेक कारण बताते हैं। पहले तो ये बताते हैं कि जय और विजय की कथा आती है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, सब जानते हैं जय और विजय उनके द्वारपाल हैं, इसमें ये आती है चौपाई। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, भगवान के द्वारपाल थे, द्वारपाली करते थे, तो एक बार संकादिक मुनि आते हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, जय और विजय मना करते हैं कि अंदर नहीं जाना, तो वो उनको शाप दे देते हैं, संकादिक मुनि उनको शाप दे देते हैं जय और विजय को। इस कारण वो 3 जन्म का उनको मिला था, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष बने, और इस तरह से होते हुए वो ये एक रावण और कुंभकर्ण बनने का एक जय और विजय कारण बने। पहली कथा तो ये आती है। दूसरी फिर आती है जलंधर दैत्य की। एक दैत्य था राक्षस, वो क्या करता था, उसने बहुत ज्यादा तप किया, तप करके उसने शिवजी का ही तप किया था,
और उनसे ये मांगा था कि मैं युद्ध में मैं जीतू, मैं मरू नहीं। तो उसकी जो जलंधर है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा रही क्योंकि उनके कारण सारे बताते हुए हमें चलना है। तो वो ये कहते हैं कि जलंधर दैत्य की पत्नी थी, वो बहुत पतिव्रता थी, हार एक असुर करी विविध लड़ाई, अनेक लड़ाइयां की देवताओं ने, लेकिन वो असुर मर नहीं रहा था। तब भगवान के पास गए, भगवान ने क्या किया, जो वो जीतता था ना, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, उसके बल से भी उसको कोई मार नहीं सकता, पतिव्रता के बल से। तो उनको नहीं जीत पा रहे थे, भगवान गए। कई लोग इसमें ये शंका करते हैं, इसमें एक चौपाई आती है, छल करी तारेउ तासु व्रत, उसका छल करके उन्होंने व्रत डाला, पतिव्रत। लेकिन हम लोग कई बार, एक कोई पूछ भी रहे थे, कहते हैं कि भगवान तो सुंदरकांड में कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और यहाँ पर ये आती है चौपाई कि छल करी तारेउ तासु व्रत भगवान ने चल किया। आपको एक बात बता दूं कि जब भी असत्य आता है, वो सत्य का वो ड्रेस पहन के आता है, आवरण पहन के आता है, तो कैसे भी करके उस आवरण को हटाना पड़ता है, तभी सत्य प्रकट होता है। क्योंकि आसुरी वृत्ति थी, था तो असुर ना, तो उसके उस वृंदा अपनी पत्नी के बल से वो मर नहीं पा रहा था, पति पतिव्रत्य के बल से। तो भगवान ने एक उपाय किया कि उनकी लड़ाई हुई थी जलंधर दैत्य से, टुकड़े हुए, उसमें भगवान ने प्रवेश किया। तो जब उसकी पत्नी के पास गए तो उसने चरण छुए, उसने समझा यही जलंधर है। तो स्पर्श करने से, पैर छुए उसने जब भगवान के, तो उन भगवान ने उसके उसमें प्रवेश किया था, इसलिए वो छल शब्द आता है, वरना भगवान को छल पसंद नहीं है। लेकिन असत्य को हटाना पड़ता है। यहाँ पर वृंदा ने फिर शाप दिया था। अब वृंदा जो है, जलंधर दैत्य भी जो था वो फिर रावण बना था, वृंदा जो ये फिर वृंदा बनी, तुलसी बनी, उसकी पत्नी तुलसी बनी, वृंदा कहा जाता है उसको, तुलसी के रूप में आई। अब इसके बाद ये तो जलंधर दैत्य की कथा हो गई। तीसरे नंबर पर आती है नारद जी का मोह। नारद जी भी एक कारण थे भगवान के जन्म के, ये भगवान के जन्म के कारण। अब रावण नहीं होता तो भगवान क्यों अवतार लेते, तो वो रावण बने, भगवान को अवतार लेना पड़ा। और यहाँ पर क्या होता है, नारद मोह होता है। नारद जी महाज्ञानी है, एक बार मैंने कल आपको बता रही थी कि वो गए हिमगिरि गुहा, एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी, सरिता बह रही है, और इसको जब उन्होंने नदी पर्वत और वन इत्यादि देखे, भयउ रमापति पद अनुरागा, उनको देखकर भगवान को अनुराग हो गया भगवान में, नारद जी को। और तब उनका सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, उनको समाधि लग, क्योंकि उनको तो शाप गति बाधी, नारद जी को ये शाप था दक्ष प्रजापति का कि आप कहीं पर भी ठहर नहीं पाओगे। लेकिन ये पक्की बात है, जब भगवान का स्मरण करते हैं तो कोई भी हमारे शाप है उन पर एक बैरियर लग जाता है। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, शाप की गति रुक गई नारद। सहज विमल मन लागी समाधि, मन विमल हो गया और समाधि लग गई। अब जैसे ही समाधि लगी नारद जी को, इंद्र को ये चिंता हो गई कि शायद ये तपस्या से, समाधि से मेरा पद प्राप्त करना चाहते। समाज के जितने रजोगुणी लोग हैं उनको ये लगता है कि कोई हमारे समान ना पहुंच जाए, हमारी वाली ऊंचाई तक ना पहुंच जाए।
तो उसने फिर कामदेव को भेजा, कामदेव आया, उसने काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, मुनि पर काम की कला का कोई असर नहीं हुआ। निज भय डरे, अपने भय से भयभीत हो गया कामदेव, उसने जाके चरण पकड़ लिए नारद जी के। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अब देखिए कई बार हम अपने सतोगुण को भी भोगने लगते। नारद जी को ये आ गया मन में कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, और इस अभिमान के आते ही कि मैं तो शिव जी से भी बढ़कर हो गया, क्योंकि शिव जी ने तो कामदेव को जलाया था, जलाना अलग बात है, लेकिन मैंने जीता है उसको। तो उनको इस चीज का अहंकार आ गया। तो फिर भगवान ने देखा, फिर थोड़ी और चलती है कहानी, इनकी कथा चलती है। फिर जब इसमें आप, इससे पहले आप एक चीज और नोट कर लीजिए, 126 नंबर दोहा के ऊपर आ गया। आप, मुझे लगता है सब लोग रामायण लेकर बैठे होंगे, रामचरितमानस, उसमें भी मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शर्मा जी कहते हैं बिना अर्थ वाली रामायण लेकर बैठो, क्योंकि रामायण में अर्थ और आपको प्रकट होंगे। लेकिन आपको जैसी सुविधा हो, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं या कुछ है, आपको अर्थ देखने हैं, तो आप अर्थ देख के जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और 126 के ऊपर, सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है, किसी भी वजह से आपको कोई परेशान कर रहा है, काम लोग कुछ भी, या वैसे भी कोई, और आप भगवान में के शरणागत हैं, उनकी शरण में रहने वाले हैं, तो इसका जप कीजिए, आप पर किसी चीज का कोई असर नहीं होगा। सीम की चाप सकई कोई तासु, को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा या मर्यादा को कौन दबा सकता है। उसके रक्षक बन के खड़े होते हैं रमापति, भगवान राम ये रमापति हैं, लक्ष्मीपति हैं भगवान। तो इसका जप कीजिए आप, आपको कोई भी ऐसी चीजें परेशान नहीं करती, जो जितने भी आसुरी वृत्तियां हैं या काम सताता है अगर, तो इसका जप करके देखिए आप। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, ये रामचरितमानस, मैं कल तो कह रही थी, चलते ये मोबाइल हॉस्पिटल है जो हमारा अंदर और बाहर, शरीर और मानसिक रोगों का निवारण करता है, उनको दूर करता है। आज मैं आपको कह रही हूं ये मोबाइल केमिस्ट शॉप है, इसमें हर चीज की दवा है, हर चीज की। हमें लेकिन ये पता नहीं है कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवा खानी है। हम केमिस्ट शॉप लिए बैठे हैं, पूरी शॉप हमारे पास है, पूरा भरा हुआ है, उसमें इतना भरा हुआ है, किसी चीज की आउट ऑफ स्टॉक कुछ नहीं है। किसी, कोई भी आपको परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसमें हर चीज का इलाज है। और जिनको इससे लाभ हो रहा है, आप कभी बात करके देखिए इससे क्या नहीं मिला लोगों। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो संसार में रहते हैं, हम कैसे इसके लिए समय निकाले, टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सब काम जरूरी थे जिंदगी के होते रहे, सब काम जरूरी थे जिंदगी के वो होते रहे, एक तेरी इबादत थी जो टलती रही, उसके लिए टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई, फिर हम परेशान होते हैं, आज मुझे ये है, आज ये है, आज ये है। आपके पास है दवा, आप ले सकते हैं, मंत्र हैं ये सारे, और बिल्कुल असर करते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। कोई भी दवा आप लेने जाते हैं, आप कहते हैं हो सकता है इसका कोई साइड इफेक्ट हो, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मैं गारंटी लूँ, कोई नहीं साइड इफेक्ट।
हर चीज का इलाज है, तो ये आप इसका जप कर सकते हैं। तो अब नारद जी को मोह वो अहंकार आने लगा। भगवान ने देखा कि ये तो अंकुर फूट रहा है। अंकुर फूटना मतलब एक बीज से वृक्ष ना बन जाए, तो उन्होंने कहा इसको यही काट देना चाहिए, क्योंकि भगवान रखवाली करते हैं। तो तब उन्होंने एक नगर की रचना की, उसमें शील निधि नाम का राजा था, उसकी कन्या थी। नारद जी उनके पास जाते हैं, उसका हाथ देखते हैं उस कन्या का, और ये कहते हैं कि जो इसको बरेगा वो बहुत भगवान के गुण सारे बताते हैं। अब उनके मन में ये आ जाता है कि मैं ही क्यों ना इससे विवाह करूं। देखिए काम को जीता है, वहां पर काम का असर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आकर काम ने असर किया। और अब हालांकि शंभुदीन उपदेशित, शंभु ने कहा था कि ये बात बताना मत कि आपने काम को जीता है, भगवान को मत बताना, लेकिन नहीं, वो तो गए बताया। तब उन्होंने काम को जीतने की बात बताई थी, तो भगवान ने नगर बनाया, शील निधि राजा बनाया। उसकी कन्या को देखकर इनका मन हुआ कि मैं इससे विवाह कर लूं। उसका स्वयंवर हो रहा था, तो इनको लगा कि मैं अब क्या करूं, सुंदरता मांग लू, सुंदरता पर तो मोहित होगी राजकन्या। तो भगवान के पास गए, वो मन में सोचने लगे नारद जी कि हरिसन मांगो सुंदरता ही, मैं हरि से जाके सुंदरता मांगता हूँ, हरि तो बहुत सुंदर है, विष्णु जी बहुत सुंदर है। देखिए बच्चों, मैं वैसे बच्चों के लिए बता रही हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जहां पर हरि आता है इसका मतलब विष्णु जी, और जहां पर हर आता है वो शिव जी के लिए आता है। तो यहाँ कहते हैं हरिसन मांगो सुंदरता ही, उनसे जाकर सुंदरता मांगो। वहां पर गए, वहां राम जी के पास, उनको कहते हैं मुझे आप सुंदर रूप दे दीजिए। तो भगवान ने तो लीला रची हुई थी, उन्होंने कहा, नारद जी उनको कहते हैं जाकर आप निकाल लीजिए इसको, 132 नंबर दो का, 132 इसके ऊपर चौपाई आ रही है, जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा, मैं आपका जैसे मेरा हित हो वो आप कीजिए। तो भगवान ऊपर से कहते हैं जे ही विधि हो ही परम हित, बीच में नहीं आया था, आपका परम हित जैसे हो मैं वही करूंगा। नारद जी तो कहते हैं जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, मेरा हित हो, लेकिन भगवान कहते हैं जय विधि होए परम हित नारद सुनो कुमार, मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। उनको वानर रूप दे देते हैं और नारद जी जाते हैं वहां पर, वो समझते हैं मुझे हरि ने बहुत सुंदर बना दिया है। और वहां पर हर के गण भी आते हैं, शिव जी के गण भी आए होते हैं वेश बदल कर। तो यही विधि बैठे नारद फूली, जहां पर नारद बहुत मतलब खुशी में फूले हुए बैठे थे कि मैं बहुत सुंदर हो गया हूँ, वो वरमाला लेकर गई हुई है, मतलब वहां पर घूम रही है राजकन्या। अब मजेदार बात यह है कि वहां पर वो भी पहुंच गए, भगवान विष्णु वो भी पहुंच गए, क्योंकि उनकी लक्ष्मी जी तो वह राजकन्या थी। अब क्या होता है कि जहां नारद जी बैठे उस तरफ तो वो भूल कर भी नहीं गए, और उसने जाकर जयमाला भगवान के गले में पहना दी। अब तो जब नारद जी को पता लगा, तब हर वो जो है ना शिव जी के गण, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा निज मुख मुकर विलोक हो जाई, जाकर जरा अपना मुख, मुकुर मीन शीशा, शीशे में जाकर तो देखो क्या हो तुम। नारद जी का मजाक बनाया, तो जब उन्होंने देखा नारद जी ने जाकर अपना मुख, एक तो इनको लग रहा था कि मेरे हाथ से राजकन्या गई, जब उन्होंने मुख देखा तो उनका बंदर जैसा मुख बनाया हुआ था भगवान ने, क्योंकि भगवान को तो उनको बचाना था, उनकी सुरक्षा करनी थी, इसलिए उन्होंने ये सब रचना की थी। अब नारद जी को क्रोध आता है, नारद जी उनको बहुत सारे अपशब्द कहते हैं, बहुत सारे शब्द कहते हैं, तो वो कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई,
आप तो परम स्वतंत्र रहते हो, तुम्हें कोई समझा, तुम्हें आज तक कोई सबक सिखाने वाला नहीं मिला, आज मैं सबक सिखाऊंगा आपको। तो वो उनको बहुत कुछ कहते हैं। तब वो कहते हैं, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सम सहाय तुम्हारी। कीस मीन्स भी बंदर होता है। आपने मेरी कपि की आकृति की है, आपकी सहायता भी बंदर ही करेंगे। तो ये श्राप ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, भगवान ने ये जो माया फैलाई थी ना अपनी, उसको खींच लिया। भगवान ने अपनी माया को, जैसे कहते हैं ना, खींच लिया। क्लियर हो गई अब पिक्चर नारद जी को। अब नारद जी पछता रहे हैं। वो कहते हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने तो कह मुनि श्राप बाप मिटही किम मेरे। हे भगवान, पर तो अब तो उन्होंने पैर पकड़ लिए भगवान के, बहुत कुछ कहा, शाप भी दे दिया कि कपि आकृति तुम कीन हमारी। अब वो पछता रहे हैं। जब भगवान की माया हटी तो अब वो कह रहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटे, मैंने बहुत गलत शब्द आपको कहे। अब भगवान कहते हैं, जपहु जाई शंकर सत नाम, अब शंकर शंकर की माला करो, जाओ शंकर नाम जपो, होई हृदय तुरंत विश्राम, हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा। देखिए ये इसमें आता है, जपहु जाई 138 के ऊपर है। भगवान ने उनको कहा है, आपसे कभी कोई भगवत अपराध हो जाए, कोई संत अपराध हो जाए, आप कुछ बुरे शब्द कहते हैं, तो ये आप इसकी माला कर लो, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटही किमि मेरे, और जपो जाई होई हृदय तुरंत विश्रामा। अगर कभी आपका मन बेचैन रहता है, कोई चिंता सता रही है, कोई बे मतलब कोई ना कोई चीज आपको अंदर अंदर खा रही है, कई बार होता है किसी चीज की चिंता हमें अंदर अंदर खाती रहती है, हम किसी से कह नहीं सकते, तो तब आप शंकर नाम की माला का जप कर लो, होई हृदय तुरंत विश्रामा, तुरंत विश्राम आ जाएगा। शंकर 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 इसका जप कर लो, तीन माला कम से कम आप कर, देर नहीं लगती है इससे, एकदम मन में विश्राम आ जाएगा, शांति आ जाती है। तो जपहु जाई शंकर सतनामा। अब ये चले गए आगे, फिर नारद जी पूछेंगे उनसे कि आप ऐसा ऐसा हुआ, अब मैंने आपको श्राप दे दिया था। तब भगवान कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा, मैंने खुद श्राप लिया। देखिए भगवान जब तक खुद ना चाहे, ये पकड़ने वाली बात है, भगवान जब तक खुद नहीं चाहे उनको कौन श्राप दे सकता है, है किसी में पावर? ये भगवान की रचना है, उनकी लीला है, जिससे जो कराना चाहे वो करा लेते हैं, उसके मुख पर आकर सरस्वती को बिठा देते हैं, माया फैला देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन भक्त की सुरक्षा जरूर करते हैं। तो ये सब होगा। अब आगे चलते हैं। एक तो ये नारद जी ने श्राप दिया था, तो करी है कि साय तुम्हारी, आपने मुझे नारी के विरह में व्याकुल किया। ये माया से पहले की बात, जब भगवान ने माया फैलाई हुई है तब की बात है। तो तब कहते हैं कि नारी विरह तुम हो दुखा, तुम नारी के विरह में दुखी होगे, कपि आकृति तुम की न हमारी, करी है कि सहाय तुम्हारी, तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे। एक ये कारण भगवान के जन्म का हो गया। उसके बाद फिर एक कारण आता है, मनु शत्रु, मनु शत्रुपा का प्रसंग शुरू होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, कि ये इन्होंने तप किया, उनको वो कहते हैं कि इतना जीवन बीत गया, हमें विषयों में हम लगे हुए हैं, मनु और शत्रुपा, तो वो वन में तपस्या करने जाते हैं अपने पुत्र को राज्य देकर। और जब वहां तपस्या करने जाते हैं तो बहुत तपस्या करते हैं, कई बार आकाशवाणी होती है कि मांगो क्या मांगते हो, कहते हैं नहीं आप सामने आओ, आप हमें दर्शन दो। भगवान उनको दर्शन देते हैं, लक्ष्मी जी के साथ आते हैं विष्णु जी। मैंने कल आपको बताया था 146 वाला दोहा, नील सरोरु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। इस रूप में आकर भगवान उनको दर्शन देते हैं। और इसमें कौन वाम भाग सोहती जगमूला,
इसमें है पदरा जीव बरनी नहीं जाए, इसका इसका भी आप ध्यान की चौपाइयां है सारी। भगवान का ध्यान इस रूप में भी कर सकते हैं जो उनको मनुष्य रूपा को उन्होंने दर्शन दिए हैं। तो वहां फिर भगवान आके कहते हैं कि मांगो आप क्या मांगते, कहते हैं कि हमें तो मांगने में बहुत संकोच हो रहा है। सो ये 149 के ऊपर वाली चौपाई पर आइए। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मैं अगर आपको अपने आंखों देखी बात बताऊं, बहुत सुंदर चित्रकूट में परिक्रमा करते हुए हमारे साथ, हम परिक्रमा शुरू कर रहे थे, डॉक्टर शर्मा जी हमारे साथ थे, तो उनसे एक बेटी वो साथ थी, वो कहती है हम लोग परिक्रमा करते हुए कोई ना कोई जप करते हैं, किसी भी हम लोग बात कम कर कम क्या नहीं करते, जब भी परिक्रमा करते हैं चित्रकूट की या कहीं। तो वो बच्ची पूछ रही थी कि आप मुझे ये बताइए कि मैं किस चीज कौन सा जप करूं। तो अभी कुछ कहते तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर से ना बहुत तेजी से उतरते हुए एक सन्यासी आए, साधु आए, वो भगवान ही आए उस रूप में। उनको क्या पता कि नीचे क्या बात हो रही है, वो परिक्रमा मार्ग में शुरू होता है, रास्ते में ही था ज्यादातर, तो वो उसको नहीं पता कि जो ऊपर से उतर रहे हैं उनको क्या पता यहाँ क्या बात हो रही है नीचे, कोई माइक लगाकर तो हो नहीं रही थी। तो वो बच्ची पूछ रही थी कि मैं कौन सा जप करूं। वो ऊपर से आए, ऊपर से बहुत तेजी से दन 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 उतरते हुए, मैं मेरे सामने की बात है, वो आके खड़े हो गए साथ, आके कहते हैं सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, इसका जप करो। कह के बिल्कुल उसी स्पीड में जिस स्पीड में आए थे वो चले गए। तो एक्चुअली ये भगवान की दी हुई चौपाई है, बिल्कुल साक्षात होके उन्होंने इस चौपाई का जप करने से जो कुमारी कन्याएं हैं, जो जो कुछ उनके मन में कुछ है कि ऐसा ऐसा वर प्राप्त हो मुझे या कुछ हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, अदरवाइज भी कुछ भी आपके हृदय में इच्छा है, ये भगवान की दी हुई चौपाई है। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, आज मुझे लग रहा था ये आपको जरूर बतानी है। तो मनुष्यत रूपा जी उनको कहते हैं, इसको आप मार्क कर लेना, एक बहुत बड़ा खजाना है ये आपके पास। तो वो कहते हैं कि आप मांगो वर, मनुष्यत रूपा को कहते हैं। अब जो कुछ भी वो कहते हैं कि फिर उनसे क्या मांगते हैं, दानि शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्य सत भाव, मैं आपसे सत्य भाव से कहता हूं चाहूं तुम ही समान सुख प्रभुसन कवन दुराव, आपसे क्या छुपाऊं मैं बात को, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। अब तो भगवान तो असमंजस में पड़े, भगवान जैसा कौन, न तत्समोस्ति अभ्यधिक कुतोन्य, भगवान जैसा तो कोई है ही नहीं, भगवान ही है। तो भगवान ऊपर से कहते हैं आप सरिस खोजो कह जाई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, है ही नहीं। नृप तव तने होब मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र स्वयं बनकर आऊ। तो फिर शत्रुपा से भी पूछते हैं, वो कहते हैं जो चतुर नृप ने वरदान मांगा है वही ठीक है, भाई अगले जन्म में वो उनकी पत्नी हो बने या ना बने, लेकिन उन्होंने पक्का कर लिया कि राजा ने जो वर मांगा है वो सत्य है, बहुत अच्छा मांगा है, ये पक्का हो गया कि पत्नी मैं ही रहूंगी, मेरे गर्भ से ही पैदा होंगे भगवान, हो मैं आई, पत्नी तो मैं ही रहूंगी, उनको लगा। तो बहुत सुख हुआ इनको। अब उन्होंने कहा कि दशरथ कौशल्या के रूप में आप आओगे, मैं तुम्हारे घर में पैदा होऊंगा। 151 के बाद देखिए, इच्छा में नरवेश समारे, मैं इच्छा में अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण करूंगा,
होए प्रगट निकेत तुम्हारे, मैं तुम्हारे घर में प्रगट होऊंगा। एक्चुअली फिर ये भी कह देते हैं आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जो संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतरी मोर यह माया, मेरी माया भी अवतार लेगी जिससे संपूर्ण जग की उत्पत्ति हो। आप ये देखिए भगवान के लिए जन्म शब्द नहीं आया, प्रकट मान सीता जी भी प्रकट हुई है। तो यहाँ उन्होंने कह दिया है पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य फ्रेंड, सत्य है सत्य है सत्य हम मैं आऊंगा। तो इस तरह से ये भी एक राम जन्म का कारण है। अब लास्ट में एक आता है प्रताप भानु की कथा आती है, राजा प्रताप भानु है वो बहुत यज्ञ करता है सब कुछ है। तो एक बार वो कपट मुनि के उसमें आ जाता है, चंगुल में फंस जाता है। तो कई लोग इसमें ये प्रश्न करते हैं कि वो इतना अश्वमेध यज्ञ करने वाला था, भगवान की उपासना करने वाला था, फिर भी उसको शाप क्यों मिला? उसको शाप मिला था कि वो रावण बनेगा, असुर बना। तो वो फिर रावण क्यों बना? बहुत बार ये कई लोग पूछ चुके हैं प्रश्न। एक्चुअली कई बार हम धार्मिक कर्म तो करते हैं, क्रियाएं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छाएं कुछ और होती हैं। तो मैं यही जवाब देती हूं कि प्रताप भानु का सॉफ्टवेयर साफ नहीं था, हार्डवेयर तो ठीक था, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं था। उसके जो अंदर था वो ये भाव था कि मैं कभी मरू ना, जबकि ब्राह्मण वो उसने ये कहा था कि ब्राह्मण मेरे वश में हो जाएंगे, इस ये भी उसकी इच्छा थी। जबकि ब्राह्मण तो सबको, भगवान भक्त तो सबको मार्ग दिखाने वाले हैं, उनको वो किसी के राजाओं के वश में नहीं होंगे, ये गलत भाव था। और मैं मरू ना, सबको वश में करूं, तो उसका अप्रोच गलत थी, इसलिए वो रावण बना। तो इस तरह से ये भगवान के प्रजन्म के अनेक कारण बने। इधर क्या होता है, जब रावण का जन्म हुआ, रावण कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों तप करने के लिए गए, घोर तप इन्होंने किया। आज भगवान जी का जन्म जरूर कराना है हमने, घोर तप किया। तप करने से क्या हुआ, ऐसा भी कहते हैं, मैंने बापू जी से सुना है एक्चुअली, ये कहते हैं कि एक बार कुबेर के घर ही अपनी माता के साथ गए थे रावण। रावण ने जाके उसके पास देखा, इतना सब कुछ है, धन का स्वामी आप। तो उसने अपनी माता से पूछा रावण ने कि क्या कारण है, ये इतना ज्यादा ऐश्वर्य वाला कैसे है? तो उनकी माता ने कहा इसने तप करके ये ऐश्वर्य प्राप्त किया है। तो इन तीनों भाइयों ने तप किया, तप करने के बाद इनको वरदान मिले। रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे। मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं, ये नहीं होगा कि तुम किसी से मरो नहीं। तो तब इसने कहा वानर मनुज जाति दुई बारे, केवल दो लोगों से, वानर और मनुष्य से मर जाऊं। रावण को ये लगता था कि ये दोनों तो मेरा आहार है, ये मुझे क्या मारेंगे, मैं तो इनको मुट्ठी में लेने वालों में से हूं। वानर मनुज जाति दुई बारे। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें वरदान दिया, तो उसको ये वरदान दे दिया। अब मजेदार ये बात है, भगवान ने कहा ठीक है मैं मनुष्य बन के आ जाऊंगा, चिंता मत करो, मरना तो पड़ेगा। अब कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण को जाके कहते हैं कि तुम मांगो। तो तब उनको लगा कि ये अगर आहार बहुत अधिक करता है, सारे सबको चौपट कर देगा अगर ये, पहले वो कहने लगा, उसने मांगना था इंद्रासन, इंद्र का पद मांगना था, और उसने मांग लिया निद्रासन। भगवान ने सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को फेर दिया, इंद्रासन की जगह उसने निद्रासन मांग लिया। तो निद्रा मांगी, और वो कई लोग, मैं भी ये समझती थी, लेकिन कई लोग ये कहते थे कि 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था। मांगे सी नींद मास शट केरी,
छह महीने की नींद मांगी, मांगे सी, तब उसने क्या मांगा, कुंभकर्ण ने मांगा, मांगे सी नींद, मास छठ केरी, छठ मीन्स छह मास की नींद मांगी। तो मुझे ये लगता था कि छह महीने सोता और से छह महीने जागता होगा, ज्यादा लोग ही समझते हैं, लेकिन किंकर जी महाराज कहते हैं कि छह महीने सोता था, फिर जब वो उठता था, उठने के बाद जब सोता था फिर छह महीने सो जाता था, चाहे दो दिन बाद सोए, तीन दिन बाद सोए, एक दिन बाद सोए, जब भी सोए। तो ऐसी वृत्तियों का, जो संसार का संहार करने वाले उनका सोए रहना ही अच्छा है, तो भगवान ने उसको वरदान दिया। अब क्या होता है कि कहे गए विभीषण पास तब, कहे पुत्र वरमान, इनको पुत्र नहीं कहा दोनों को, विभीषण के पास गए, उसको कहते हैं पुत्र वरमान, कहे गए विभीषण पास तब कहे पुत्र वरमान, हे पुत्र तू वरमान तू क्या मांगता है, तीनों अपने भाइयों ने की ना, तही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, उसने क्या मांगा, उसने भगवान भगवंत पद मांगा, भगवान के चरणों को मांगा, भगवान को पता था ये साधु वृत्ति वाला है, ये यही मांगेगा, उसको पुत्र पहले ही बना लिया। तो इस तरह से तीनों भाइयों को मिला वरदान। अब रावण कुंभकर्ण वगैरह के अत्याचार बढ़ने लगे और बहुत ज्यादा पृथ्वी अकुला गई, अकुला के वो कहती है कि जितना मुझे पर्वतों इत्यादि का बोझ नहीं है, जितना इन असुरों का बोझ है। तो वो परेशान हो गई, ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने कहा मोरे कछु न बसाई, जा करी तै दासी, तू जिसकी दासी है, पृथ्वी को कहा कि उन्हीं के पास चलते हैं, भगवान के पास, मेरे तो कुछ वश में नहीं। तो ये सब भगवान के पास जाना चाहते हैं। अब ये प्रश्न उठता था कि हम भगवान को खोजे कहां, कोई कहता है वैकुंठ में रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कुछ, लेकिन वहां भोले भंडारी शिव जी भी बैठे हैं, वो सब देवताओं की, सबकी देवों की हो रही है मीटिंग कि हम कहां देखें। ये चीज बहुत सुंदर है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि सर्वत्र व्यापक है समान रूप से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, शिव जी कहते हैं मैं जानता हूं, ऐसे नहीं कह रहे कि सब जगह प्रगट है आप उनको पुकार लो, नहीं, मैं भली भांति जानता हूं, कितना मतलब जोर देके कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, मैं जानता हूं, प्रेम से प्रगट होते हैं, फिर सब मिलके जाते हैं, सब हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। अब स्तुति आती है 185 के बाद, आप देख लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि रामायण में 28 स्तुतियां हैं और इतने ही नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र 30 कह दो होते हैं या 30, तो 28 स्तुतियां हैं, 28 नक्षत्र होते हैं। जिस दिन भी हम पैदा होते हैं, कोई भी पैदा होता है, जिस नक्षत्र, उस दिन जो नक्षत्र हो, आप समझते हैं इस बात को, जिस दिन कोई पैदा होता है बच्चा, या हम लोग भी हैं, उस दिन कोई ना कोई नक्षत्र होता है, हर दिन एक नक्षत्र होता है, चेंज होता है, और इसमें 28 स्तुतियां हैं। जिस नक्षत्र की कोई स्तुति है, जैसे कोई किसी नक्षत्र में पैदा हुआ, उस नक्षत्र की जो स्तुति है सब भगवान की स्तुति। और मैं प्लीज आपको बता दूं कि आप कुंडलियों वगैरह के चक्कर में मत जाना, केवल हरि नाम सबसे बड़ी कुंडली है। तो ये जो स्तुति है ना 185 के बाद, जय जय सुर नायक, जिनका अश्विनी नक्षत्र हो उनके लिए स्तुति है, भगवान को प्रकट करने की है, उनको ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप प्रकट हो जाओ, हम लोग सब बेचैन। तो इसका सब लोग मिलकर एक बार आप लोग, मैं सिर्फ एक विचार एक चंद पढ़ूंगी, आप मेरे साथ प्लीज चैंट करें मन मन में, आप अपने ऑडियो ऑन नहीं करेंगे, अपने मन में करिए, हम मेरे साथ ही करिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक,
प्रणत पाल भगवंता बोधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करउ अनुग्रह सोई सीता राम 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 सीता राम राम राम। इसको बड़े भाव से आप मन में बैठ घर में बैठकर बोलिए। एक संत हैं अयोध्या के, वो कहते हैं मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मैं यहाँ आश्रम में रहता हूँ, केवल इस स्तुति का पाठ करता हूँ और इसकी एक एक लाइन मुझे दिखाई देती है, एक एक लाइन का मुझे आंखों के सामने भगवान दिखाई देते हैं। सारी स्तुतियां इसकी सिद्ध स्तुतियां हैं, ये इस तरह से पूरी स्तुति है। इसके बाद सबने मिलकर स्तुति की देवताओं ने, तो इधर दशरथ जी को भी ये रहा कि मेरे भय गलानी मोरे सुतनाई, अपने गुरु के पास गए, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, उधर से यज्ञ कराया और इधर ये उनके प्रकट होने के लिए भी किया गया है। 190 पर देखिए, जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए, योग भगवान से मिलने का योग, लगन भगवान को पाने की लगन, ग्रह भगवान का अनुग्रह मिल जाए, बार ये एतबार कि मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। तो इस तरह से ये सब पढ़ते हुए आप इसका पाठ किया करिए। फिर भगवान प्रकट हुए, तो ये भरणी नक्षत्र जिनका है उनके लिए ये स्तुति है। वैसे कोई भी करे, लेकिन विशेष रूप से उनके लिए है, भरणी नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उनके लिए ये है भय प्रकट कृपा आदि। मेरा मन है इसको चैंट करने का था, लेकिन आगे बढ़ेंगे, आगे हम चलते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये बहुत सुंदर स्तुति है भरणी नक्षत्र जिनका हो। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि हमें बढ़ना ही है। भगवान प्रगट हुए हैं, अब क्या होता है, थोड़े बड़े हुए, उनका नामकरण हुआ, जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर ते त्रैलोक सुपासी। हाँ, कल मैंने आपको एक प्रॉमिस ये भी किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि राम जी ही चारों भाई बन के आए हैं, आपको बहुत सुंदर दिखाऊं, आपको वो चीज दिखा दूंगी, आपको अच्छा लगेगा, या मैं कल बता देती हूँ आपको। तो ये चारों भाई, अब ये देखिए भगवान विष्णु जी हैं, ब्रह्म हैं ये, तो ये आए हैं, जो लक्ष्मण लक्ष्मण जी हैं वो शेषावतार हैं, भरत जी हैं वो भगवान विष्णु जी के शंख हैं, ये योग वशिष्ठ में आया है, वो उनके शंख हैं, और जो शत्रुघ्न जी हैं वो चक्र हैं। भगवान अपने आयुधों के साथ, अपने अंशों के साथ अवतार ले आए उन्होंने। अब जब थोड़ा नामकरण वगैरह हो गया, सब हो गया, जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। उनका नाम भरत हुआ, जाके सुमिरन देरी को नाशा, जिससे शत्रु का नाश होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शत्रुघ्न का नाम जप करने से शत्रुता का नाश हो जाए, और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, ऐसे उनके नाम रखे गए। अब विश्वामित्र मुनि आते हैं, वो तप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो राक्षस उनके
तप में यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, वो भगवान को मांगने के लिए आए हैं, देना नहीं चाहते उनको दशरथ जी, लेकिन वो उनसे मांग रहे हैं। अब दशरथ जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण चले गए। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, ज्ञान और वैराग्य को लेकर चल दिए हैं विश्वामित्र जी। जब वो रास्ते में जा रहे हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का आती है, ताड़का का वध करते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। उसको दीन जानकर अपना धाम दे दिया। और इस तरह से तब मारीच आता है, मारीच को मारा नहीं है, उसको मारीच मन है, उसको हरि नाम में लगा दिया। समुद्र के पास उसको फेरा, बिना फन का बार मान मारा। फिर उसके बाद स्तुति आती है अहिल्या जी की। अहिल्या जी गौतम जी की पत्नी है, उनको शाप मिला था, गौतम जी ने दिया था, इंद्र के कारण मिला था। इंद्र को भी शाप दिया था कि तुम्हारे 1000 छिद्र हो जाए तुम्हारे शरीर में। तो यहाँ पर जो परसत 210 दोहा के बाद जो आती है स्तुति, परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज सही। मेरा मन तो था मैं चैन कराती, ये जो है ये कृतिका नक्षत्र किसी का हो उनके लिए बहुत अच्छी स्तुति है। कृतिका नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं, तो वो स्तुति करती है। एक्चुअली अहिल्या कौन है? अहिल्या तो नारद जी की, वो गौतम ऋषि की पत्नी है, वो तो है, लेकिन ये बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि में जब जड़ता आ जाती है, जड़ बन गई थी, बुद्धि में जड़ता आ जाती है जब, तो वो कैसे ठीक होती है? भगवान के स्पर्श से, हरि नाम के स्पर्श से, हरि के स्पर्श से वो ठीक होती है। तो उसमें चैतन्य आया, जड़ता समाप्त हुई अहिल्या की। भगवान आगे बढ़ते हैं। अब ये जनकपुर में भी जाते हैं, इनको गुरु जी के साथ जाते हैं, अशोक वाटिका का प्रसंग आता है। अब इसमें मैं आपको जो मेन दिखाने जा रही हूँ, 234 नंबर दोहा के आगे आइए, 234। मैं 5 या 7 मिनट आपके आज एक्स्ट्रा ले लूंगी। आप देखिए 234 के बाद यहाँ पार्वती जी की स्तुति है। इस यहाँ से शुरू होती है, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गदवदन षडानन माता जग। ये पार्वती जी की स्तुति सीता जी करती हैं। उनको माँ ने भेजा है कि शादी से पहले ये आप पार्वती जी की पूजा करके आओ। तो जिन लोगों की बच्ची की शादी होनी है या कुछ है, ये वाली प्रार्थना करके, गई भवानी भवन बहोरी से आप मन जाहि राचे मिले सोबर सहज सुंदर साम, ये वाला आप कराएं। और इसके अलावा करवा चौथ पर स्त्रियां अगर और कोई नहीं कर पाती, इसका जितनी बार जप करें उतनी बार कीजिए। आप आपको कुछ खाने का मन, चाय पीनी हो पी लीजिए, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ना। घाटे का सौदा मत करना कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। बहुत लोग, बहुत बहुत स्त्रियां कहती हैं कि आज तो करवा चौथ था, मेरे सिर दर्द हो रहा था, मेरे से तो रोज वाला पाठ भी नहीं हुआ, पानी जो नहीं पीना था। ये घाटे का सौदा है साहब, हरि नाम जिस दिन छूट गया वो घाटा है, कोई फायदा नहीं। इसका जितनी बार करते हैं, पानी ना पीना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक तरह का तप है, होता है उससे। अगर आप पानी ना पीते हुए और अधिक कर सकते हैं, जब करिए करिए उसमें अधिक से अधिक हरि नाम का आश्रय लीजिए। तो ये करवा चौथ पर ये जरूर करिए आप। इसके आगे बढ़ते हैं, ये माँ ने उनको भेजा है कि इसका वो पार्वती जी की स्तुति करती है ये सीता जी। अब उनका धनुष यज्ञ हो रहा है, ये स्वयंवर नहीं है, ये धनुष यज्ञ है।
स्वयंवर वो होता है कि जिसमें अपनी इच्छा से वर को चुना जाता है, है ना। हम लोग कहते हैं सीता स्वयंवर, ये धनुष यज्ञ है। तो धनुष को तोड़ने के लिए बहुत से राजा आते हैं, सब होते हैं। अब जब भगवान जी आए हैं, राम जी तोड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आ जाइए आप 260 के बाद, 260 नंबर दोहा के बाद आइए। जब भगवान आए हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सारे खड़े रहे, किसी ने देखा ही नहीं कि कैसे तोड़ा गया धनुष। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनी घोर चिकोरा। एक ध्वनि हुई भयंकर और शब्द होने लगे, ये नहीं पता लगा भगवान ने कब तोड़ा। दमके उ दामिनी जिमी जब लय, जब ऐसे हुआ जब बिजली चमकी, इसमें पता नहीं लगा कब तोड़ा। इसमें एक सत्य घटना मैं आपको बताती हूँ, 5-7 मिनट लूंगी आज मैंने कहा है। ये बनारस की घटना है, कृपा राम दुबे एक हैं, थे मतलब है नहीं अब, वो रामलीला कराया करते थे। तो कृपा राम दुबे और उनके साथ एक थानेदार शर्मा थे। थानेदार शर्मा सारी साज सज्जा देखा करते थे, सारी चीजों का अरेंजमेंट करते थे जो जो कुछ रामलीला में होना था, और ये कृपा राम दुबे हारमोनियम बजाया करते थे। तो ये सत्य घटना है तुलसी गांव की, बनारस की। तो वहां पर रामलीला हो रही थी। अब कृपा राम दुबे एक दिन पहले बैठे हैं कि कल धनुष यज्ञ होगा। वो कहते हैं शर्मा जी को कि आप ध्यान रखना, जो इस बार राम बने हैं वो बहुत कम आयु का बच्चा है, उससे टूटे ना, ऐसी कठोर लकड़ी का मत बनाना, बहुत सॉफ्ट सी लकड़ी रखना एक, ताकि वो बच्चा तोड़ पाए। आपस में बात हो रही थी कि रात को होगी रामलीला। अब शर्मा जी को आया गुस्सा, थानेदार शर्मा। उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। वो काम में गए, जाके उन्होंने बाजार से एक मोटा सरिया खरीदा, सरिये के ऊपर सुंदर चमकीला कपड़ा वगैरह बांधा, और वो उन्होंने धनुष यज्ञ का लीला होनी थी भगवान की, वो रख दिया। उन्होंने कहा अब इनको पता लगेगा कृपा राम जी को, ये सत्य घटना है। तो जब वहां पर धनुष यज्ञ के लिए सब बैठे हुए थे, देख रहे थे ये चीज, तो तभी क्या होता है कि वो राम बना हुआ बच्चा वो धनुष को उठाने की कोशिश करता है, उठा के उसको तोड़े कैसे, वो तो कातर दृष्टि से कृपा राम जी की तरफ देखता है कि ये तो मुझसे नहीं टूटता। कृपा राम जी सब समझ गए। उन्होंने उसी समय क्या किया, भगवान को मन ही मन प्रणाम किया, अपने हारमोनियम के ऊपर उंगलियां रखी। उंगलियां रखते ही दिव्य ध्वनि निकलने लगी हारमोनियम में से। और तभी क्या हुआ, पेट्रोमैक्स रखे जाते थे पहले, पेट्रोमैक्स की जो लाइट थी है वो अपने आप ही कम होती चली गई। आकाश में बिजली चमकने लगी, चारों तरफ से कुछ कुछ आवाजें आने लगी, शंख बजने लगे। ये लोगों ने देखा वहां, और इतने में देखा कि बिजली चमकी, घोर आवाज हुई, और तभी देखा कि वो धनुष जो था बना हुआ वो दो टुकड़े होकर पड़ा हुआ। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? भगवान तो अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल पीछे पीछे चलते रहते हैं, हम लोगों को विश्वास नहीं। इस तरह से वो धनुष तोड़ा गया। तो धनुष टूटने के बाद भक्ति और ज्ञान ने जयमाला पहनाई। अब वो आते हैं, परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी बहुत क्रोध करते हैं कि ये धनुष तोड़ा, उनको पता था वो पूरा चलता है, आपस में इनकी बात होती है। लक्ष्मण जी इस पर क्रोध करते हैं, लक्ष्मण जी भी उनको जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। तो अंत में वो आयुध सर्व समर्पित, वो अपने सारे आयुध भगवान को दे समर्पित करके खुद वन को चले जाते हैं। ये स्तुति करते हैं, ये रोहिणी नक्षत्र की स्तुति है, जिनका रोहिणी नक्षत्र 284 के बाद। मैं आज ये स्पेशली क्यों कराना चाह रही हूँ, ये मैंने एक संत से सुना है, शायद बापूजी से ही मैंने सुना है, कि कितनी घोर महामारी आ जाए, बहुत पहले, बहुत साल पहले ये बात कही थी उन्होंने कि घोर महामारी आ जाए,
उससे बचाव के लिए ये है। मुझे तो तब ये भी पता नहीं था कि महामारी होता क्या है, हम लोगों ने कभी देखा नहीं। तो कितनी भी महामारी आ जाए उससे बचाव के लिए इस स्तुति का पाठ करो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कितना भी घोर अपराध हो जाए आपसे, संत अपराध हो जाए, भगवंत अपराध हो जाए, इसका पाठ करो। तो ये बहुत छोटी सी स्तुति है, ये मैं जरूर आज चैंट करूंगी। रोहिणी नक्षत्र वालों को स्पेशली ये जरूर करनी चाहिए। ये एक ही स्तुति है रामचरितमानस की, जो दोनों भाइयों की इकट्ठी की गई है। वैसे राम जी की अनेक स्तुतियां हैं, लेकिन दोनों भाइयों की एक ही है ये स्तुति। इसको मैं थोड़ा सा बोलूंगी, आप मन मन में मेरे साथ जरूर चैंट कीजिए। ये इसको सामूहिक रूप से करने का अलग प्रभाव होगा। अपने फिर मैं कह रही हूँ वो वॉल्यूम बंद ही रखेंगे, म्यूट पर रहेंगे। मैं बोल रही हूँ, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल देहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनय शील करु ना गुण सागर, जयति बचन रचनाति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहौं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनही तप हे तू, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई, संतन सन जस किछ सुनऊं तुमहि सुनायो सोई, पर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरु देव की नाई, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लक्षण सीता सहित हृदय बसहु सुरूप, राम जय।
राम 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 दीदी।